नमस्कार पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अधीर रंजन ने कहा, सदन नंबर पे नहीं मुद्दे पे होते हैं। ये जो नंबर का घमंड है, ये आज नहीं तो कल टूटेगा। मोदी जी भाग रहे हैं, मोदी सदन में नहीं आना चाहते हैं। और क्या कहा उन्होंने देखिए। ये हर चीज पे बहुमत की बाहुबली दिखाना ही इनका फर्ज बनते हैं, लेकिन सदन नंबर्स के नहीं, सदन मुद्दे पे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब सदन में प्रधानमंत्री रहते थे तो वाजपेयी जी की कितने नंबर्स थी, लेकिन वाजपेयी जी की वह सारे जो मुद्दे पे जब चर्चा समादृत होते हैं, क्योंकि सदन की मतलब ये होते हैं कि हम मुद्दे पे चर्चा करें, नंबर पे नहीं। ये नंबर की घमंडी आज नहीं तो कल इनको टूटेगा। सेल्फ गोल तो नहीं लगता आपको कि आपने कोई, जब आप सवाल ही नहीं किसका सेल्फ गोल। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे तो सबसे बड़ा वजह था कि हमारे हिंदुस्तान की शहंशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदन में खींच के लाना। वही तो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सदन पे आके मणिपुर के मुद्दे पे वो बात रखे, नहीं तो शुरू से हमारा कोई मकसद नहीं था कि ये सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। नहीं, मोदी जी भाग रहे हैं, मोदी सदन में नहीं आना चाहते हैं, तो इसलिए मोदी जी को हम लोग मजबूरी से उनके अंदर मजबूरी पैदा करना चाहते थे और उसके लिए हथियार अपनाए गए थे, अविश्वास प्रस्ताव। ये हथियार के स्वरूप मान के लीजिए, इसमें नंबर की गेम नहीं है, मुद्दों की गेम है। तो चाहते कि राहुल गांधी जी चर्चा की शुरुआत करें, पहले मैं कह दिया था, जिस दिन ये राहत मिली उस दिन मैंने यहाँ खड़ा होकर ये कहते कि राहुल गांधी जी जिस दिन सदन पे आएंगे तो हमारी तरफ से राहुल गांधी जी से मांग होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी जी शुरुआत करें। ये हमारा मांग है, हम राहुल गांधी जी को ये बात कहे हैं सब सारे एमपी की तरफ से। बड़े खुशी होंगे अगर राहुल गांधी जी आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव पे बात रख के अपना नया शुरुआत, नया दौर शुरू कर। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कई फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।